लास्ट क्लास में हम लोग बोरान फैमिली कर रहे थे, थोड़ा सा रह गया था, छोटे से कंपाउंड्स बोरिक एसिड, और थोड़ा सा मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम के बारे में। आइए शुरू करते हैं। लास्ट कंपाउंड बोरान फैमिली का नाम है बोरिक एसिड। स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, कि यदि आपको बोरिक एसिड बनाना है तो आप इसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला एक छोटा सा रूल है, कहते हैं आप बोरान को ले लीजिए या इसके किसी कंपाउंड को ले लीजिए और इट्स कंपाउंड, और बोरान या इसके कंपाउंड की रिएक्शन करा दीजिए कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ या कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, दोनों में से किसी के भी साथ। जैसे आप रिएक्शन कराएंगे इट गिव्स, ये हमेशा आपको देगा बोरिक एसिड। और यदि आपने बोरान की रिएक्शन कराई है बेटा तो SO2 बनेगी H2SO4 के साथ और NO2 बनेगा HNO3 के साथ। बाकी बैलेंस करने के लिए वाटर बना लेंगे यदि जरूरत पड़ी तो, नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, ये तरीका होगा। आइए सर रिएक्शन करके देखते हैं कैसे रिएक्शंस होती। जैसे मैंने बोरान लिया और बोरान की रिएक्शन करा दी किसके साथ, HNO3 के साथ। जैसे आप रिएक्शन कराएंगे मैंने आपसे बोला क्या बनेगा बेटा, H3BO3 बोरिक एसिड प्लस आपको मिलेंगे थ्राइस NO। इसी तरह से यदि मैं इस बोरान की रिएक्शन H2SO4 से कराऊं तो भी आपको यही मिलेगा बेटा, ट्वाइस H3BO3 और साथ में बनेगा SO। या बोरान का अपन कोई कंपाउंड ले लेते हैं, मान लीजिए कल की तारीख में हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, जैसे बोरान का कोई कंपाउंड ले लिया बोरेक्स Na2B4O7, कोई भी बोरान का कंपाउंड BCl3 कोई भी एनी, और रिएक्शन करा दी किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो भी हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी H3BO3 और साथ में सोडियम सल्फेट। लीजिए साथ में H2O बना देंगे बैलेंस करने के लिए जरूरत पड़ी तो। तो ये होती हैं रिएक्शंस, बोरान या बोरान के किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 या HNO3 से कराते हैं तो ये हमेशा आपको देता है H3BO3, साथ में देगा SO2 या NO2 जब रिएक्शन किसकी होगी, बोरान की, और कंपाउंड की रिएक्शन होगी तो बोरिक एसिड बनेगा पर ये नहीं फॉर्म होंगे। ये है ट्रिक रूल, ये है रिएक्शन बना डाली, बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है। बोरान हो या इसका कोई भी कंपाउंड हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 या HNO3 से रिएक्शन कराइए, बोरिक एसिड बनाइए, बन जाए तो अगले प्रिपरेशन पे चलते हैं। आइए मेथड नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड मेथड कहता है कि आप बोरान का हाइड्राइड ले लें BH3 या आप बोरान का हैलाइड ले लें BCl3 या आप बोरान का ऑक्साइड ले लें B2O3 और इनमें से किसी को भी वाटर में डाल दें, ठीक, और डालने के बाद गर्म कर दें। इवन जब बोरेक्स भी ले लेते हैं आप, किसे, Na2B4O7 इसे भी ले लेते हैं तो भी रिएक्शन विल बी सेम, तो भी आपकी रिएक्शन ऐसी होती है। इनमें से किसी को भी लीजिए और वाटर में डाल दीजिए, ये सारे के सारे आपको क्या देंगे, H3BO3 सारे के सारे, किसी को भी ले लीजिए। आइए रिएक्शंस करके देख लेते हैं जरा इनकी अलग अलग। जैसे मैंने BH3 को लिया, ऑलरेडी आप इस रिएक्शन को पढ़ चुके हैं, थ्राइस HOH वाटर के साथ रिएक्ट कराया, ये तीन हाइड्रोजन इन तीन हाइड्रोजन के साथ H2 बनाएंगी और आपको मिलेगा H3BO3 प्लस 3H2 गैस। इसी तरह से बेटा यदि मैं BCl3 ले लेता हूं और इसकी रिएक्शन करा देता हूं किसके साथ, HOH यानी वाटर के साथ, तो तीन HCl बन जाएंगे और H3BO3 बन जाएगा। लीजिए ऐसी रिएक्शन यदि मैंने B2O3 की कराई तो यहां वाटर के साथ
आपको गर्म करना पड़ेगा, आपको ट्वाइस H3DO3 मिल जाएगा, लीजिए। या आपने रिएक्शन Na2B4O7 की कराई H2O के साथ, तो यहां पे आपको मिलेगा H3BO3 प्लस ट्वाइस NaOH, और साथ में हम वाटर कितने लेंगे, 4 या 12, तो 6H2 बैलेंस कर लेता हूं, 13, 12 बैलेंस ही हो जाएगा। प्लस 4 3 14 7H2 लीजिए, तो 4 किया 12 तो ये हो गए, और 2 ये 14 बैलेंस इक्वेशन। प्लस बीच में है भाई, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर गया है, क्या करूं, चलो इसको थोड़ा दूर कर देता हूं। Na2B4O7 की रिएक्शन H2O के साथ, तो इनमें से किसी की भी रिएक्शन वाटर के साथ कराइए, जब भी आप रिएक्शन कराएंगे बेटा, यू विल गेट अ प्रोडक्ट, आपको हमेशा जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो मिलेंगे बोरिक एसिड H3BO3। देख लीजिए किसी रिएक्शन में कोई डाउट लग रहा हो तो हम BS3 ले लें, BCl3 ले लें, B2O3 ले लें, बोरेक्स ले लें, और इनको किस में डाल दें बेटा, वाटर में डाल दें, तो ये सारे के सारे हमें देते हैं बोरिक एसिड। हो गया, देखिए रिएक्शंस इनको याद किया जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट ये होता है बेटा कि कौन है जिसे हमने वाटर में डाला तो उसने क्या बनाया, तो BS3 को डाला, क्या बनाया बेटा, H3BO3। साइड प्रोडक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं हमारे लिए, हमारे लिए मैं इतनी सी रिएक्शन काम की है जो बोर्ड पे लिखी, तो मैंने बैलेंस करके बस रिएक्शंस केवल लिख दी हैं बेटा। हो गया, हटा दूं, चलिए 10 सेकंड रुक जाता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं H3BO3 की प्रॉपर्टीज सबसे पहला कहते हैं जो H3BO3 होता है, इट इज ए वीक लुईस एसिड। ये लुईस एसिड है, यानी ये खुद प्रोटॉन देने में कैपेबल नहीं है, नॉट प्रोटिक, ये प्रोटिक एसिड नहीं है भैया, यानी ये कोई प्रोटॉन नहीं देता, नॉट प्रोटिक एसिड। तो देखिए होता क्या है, जब हम इसे वाटर में डालते हैं, जस्ट लुक हियर, ये है BOH का होल थ्राइस या H3BO3, जैसे आप इसे पानी में डालते हैं वाटर में, तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो होता ही है HOH, ठीक, तो ये क्या करता है, इससे OH खींच लेता है BOH3, और OH खींच के बना लेता है BOH का होल 4, और चार्ज इस पर आ जाता है माइनस का 1, और इसे न्यूट्रल करने के लिए ये रहा प्लस। तो ये जो हाइड्रोजन है H+, ये हाइड्रोजन कहां से आया, वाटर से, और वाटर का जो डिसोसिएशन होता है वो बहुत थोड़ा होता है, इसका मतलब यहां से मिलने वाले जो एच आयन होंगे, जो इसमें आए होंगे, वो बहुत थोड़े होंगे, और यदि एच आयन बहुत कम है, यानी हम बोले कि ये कैसे हैं, फ्यू, यानी बहुत थोड़ी कंसंट्रेशन इस एच आयन की है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, बहुत माइल्ड एसिडिक, बहुत वीक एसिडिक होगा, और इतना कम एसिडिक है, इतना कम एसिडिक है कि हम इसे यूज कर लेते हैं, यूज्ड एज ए गुड एंटीसेप्टिक की तरह, एंटीसेप्टिक, और इससे हम क्या धोते हैं पता है, अपनी आईज, यानी इसे क्या यूज कर रहे हैं, आई वॉश की तरह, यानी इससे अपनी आंखें धो सकते हैं, आंखों का मतलब आंखों में मार दीजिए, तो ये एंटीसेप्टिक है, छोटी मोटी चोट कभी आंखों में लग जाती है, हल्की फुल्की इंजरीज रगड़ने से आ जाती हैं, तो सारी इंजरीज इससे दूर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इन प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं, कहते हैं कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटर
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ढेर सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बॉन्डिंग, और यदि इसको टच करें तो सोपी सोप जैसा टच देता है, साबुन जैसा, विद सोपी टच। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर यानी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है H3BO3 में, आइए ये देखते हैं इसके स्ट्रक्चर से। इतना बनाइए, फिर मैं आपको H3BO3 के स्ट्रक्चर की छोटी सी यूनिट दिखाता हूं। बन गया, एक वीक लुईस एसिड है, प्रोटॉन नहीं दे सकता। ये जो H प्लस मिलता है ये वाटर से मिलता है, इसे अच्छे एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, आईज वॉश की तरह इसे आप इस्तेमाल करते हैं, आंखें धोने के काम आता है। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और टच करने पर सोप जैसा नजर आता है, सोपी टच देता है थोड़ा सा। आइए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर, देखिए कैसा स्ट्रक्चर है। यह है बोरान, तीन OH जुड़े हैं। यदि मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूंगा तो sp3 है विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, और दो लोन पेयर हैं, तो यहां से इसकी जो शेप आएगी वो आएगी बेंड। लीजिए दो लोन पेयर, और इसे तीन OH जोड़ने हैं, और जोड़ दी जाए तो इसका भी sp हाइब्रिडाइजेशन है ऐसे करके, और देखिएगा जहां भी आपने H जोड़ा है वहां हमेशा इसकी जो ज्योमेट्री बनाई है वो बेंड बनाई है। बन गया ऐसे तीन। इसी तरह से और देख लेते हैं, एक और मॉलिक्यूल दूसरा ले रहा हूं, देखना बेटा ये दूसरा मॉलिक्यूल है इसका ओ एच, ओ एच एंड ओ एच, तीन हो गए। अब देखिए होता क्या है, मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने जा रहा हूं, ये फोन है और नीचे फोन से जुड़ी हाइड्रोजन, बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां भी बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक स्ट्रक्चर बन गया ऐसा। पर ये खत्म नहीं होगी, इसी तरह से ये हाइड्रोजन आगे जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये ऑक्सीजन तो बना चुका है, ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये तो बना चुका है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। बोल भाई क्या इतनी बातें समझ में आई हैं? जितने मैंने लाल लाल दिखाए सब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे, और फिर से इसी तरह से इसमें H3BO3 H3BO3 के बहुत सारे स्ट्रक्चर जुड़ते चले जाएंगे। देख लीजिए कहीं कोई डाउट लग रहा हो स्ट्रक्चर में, इस तरह से बहुत सारी यूनिट्स इसकी जुड़ती चली जाएंगी बेटा, क्लियर है? तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है H3BO3 का, बना लीजिए और बन जाए तो थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। दो रिएक्शन पढ़ेंगे बस, एक एथिल अल्कोहल के साथ और एक एक्शन ऑफ हीट ऑन बोरिक एसिड, और ये खत्म, बस इतना ही है इसके बारे में। हो गया, हटा देता हूं, चलिए आइए बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की यानी केमिकल प्रॉपर्टीज की। बहुत ज्यादा रिएक्शन हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद एल्कोहल, और एल्कोहल में भी C2H5OH के साथ। टेस्ट करने के काम में आती है बोरिक एसिड को या बोरेट्स को, ये कैसे टेस्ट करती है, आप रिएक्शन कराते हैं तीन मोल C2H5OH किसके साथ, H3BO3 के साथ। जैसे बेटा आप रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल से OH और एसिड से H निकल जाता है, और आपको क्या मिलता है C2H5 का होल थ्राइस BO3 ट्राई एथिल बोरेट, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और C2H5, इस O को यहां ले लेते हैं अंदर, होल थ्राइस और B को ले लेते हैं बाहर, और ये जब भी हमें मिलता है उसे हम जलाते हैं तो किस कलर के साथ जलता है, ग्रीन फ्लेम के साथ, और इसका नाम होता है ट्राई एथिल बोरेट। और ये ट्राई एथिल बोरेट किस कलर का कंपाउंड है बेटा,
ग्रीन कलर का एक कंपाउंड मिलता है, नाम होता है ट्राई एथिल बोरेट। तो ये टेस्ट होता है किसका, बोरिक एसिड या बोरेट आयन का। दूसरी रिएक्शन पर आ जाते हैं, अनदर रिएक्शन इज, वो है एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट, यदि आप बोरिक एसिड को गर्म करें तो क्या होता है, देखिएगा, यदि हम H3BO3 को लेके इसे हीट करें और हम इसे गर्म कर रहे हैं जस्ट 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है HBO2 यानी मेटाबोरिक एसिड में। और यदि इस मेटाबोरिक एसिड को आप 140 से 160 डिग्री तक, इसके ऊपर नहीं जाना है बेटा, 140 से 160 डिग्री तक गर्म करो, तो हम इसके 4 मोल लेते हैं, ध्यान से सुनना, 4, एक वाटर निकाल देते हैं, इसके 4 मोल लो और एक वाटर निकाल दो, तो 4 हाइड्रोजन से 2 निकल गए, क्या बचे, 2 हाइड्रोजन, बोरान कितने हो गए, 4, देखते रहिएगा, बोरान कितने हो गए, 4, ऑक्सीजन 4 दुनी 8 में से 1 कम हो गया, 7, इसे कहते हैं टेट्राबोरिक एसिड। फिर समझना, मैंने क्या किया, 4 मोल लिए, देखो लिख देता हूं, कितने लिए, 4, और एक H2O निकाल दिया, तो देख भैया 4 से 2 H गए तो 2 बचे, बोरान 4, ऑक्सीजन 8 में 1 या 7 बचे, ऐसे करके किया, समझ गए ना। तो इसको यदि फिर से हम गर्म कर देते हैं HBO2 को, तो ये HBO2 है, तो ये HBO2 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें। और कहीं तुमने इसे 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म कर दिया, या हम कहें कि हमने इसे रेड हॉट यानी और गर्म कर दिया हाई टेम्परेचर पर, तो ये सारा पानी निकाल देता है और बचता है B2O3+H2O। लीजिए, यह है एक्शन ऑफ हीट ऑन बोरिक एसिड। यदि आप बोरिक एसिड को गर्म करते हैं तो ऐसे करके ये कन्वर्ट हो जाता है B2O3 एंड वाटर में, वाटर उड़ जाता है, B2O3 आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है। दो रिएक्शन है केवल, एक अल्कोहल के साथ, दूसरी एक्शन ऑफ हीट, आसान से बना डालिए। हो गया बेटा, हटा दूं, चलिए, ये था बोरान के कंपाउंड्स के बारे में। आइए एक छोटी सी ज्ञान की बात बताता हूं, बोरान का एक कंपाउंड होता है बोरान कार्बाइड, और इसी बोरान का एक कंपाउंड होता है बोरान नाइट्राइड, और एक्स लिख देता हूं ऐसे करके, बोरान नाइट्राइड, इसको हम बोलते हैं नॉर्बिया, क्या बोलते हैं, नॉर्बिया, इट इज कॉल्ड नॉर्बिया, ये बोरान नाइट्राइड, ऐसे कुछ लोग बोरा जोन भी कहते हैं, बोरा जीन नहीं, बोरा जोन, इट इज कॉल्ड बोरा जोन, बोरा जीन तो इनऑर्गेनिक बेंजीन, इट्स बोरा जोन, कहते हैं ये बहुत हार्ड कंपाउंड है, हालांकि इसका एक एलोट्रॉपिक फॉर्म, एक फॉर्म जो होती है वो इससे भी ज्यादा हार्ड होती है, और इससे पहले यदि कोई चीज है तो वो है डायमंड, ये नेचुरल कंपाउंड है डायमंड एंड नॉर्बिया, ये सिंथेटिक कंपाउंड है, और इसके बाद यदि कोई आता है तो वह है सिलिका, सिलिका, तो ये इनकी हार्डनेस का ऑर्डर होता है, तो इसको ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, डरो नहीं बस, सबसे ज्यादा डायमंड, फिर नॉर्बिया, फिर बोराजोन एंड देन सिलिका, डरो नहीं बस, किसका ऑर्डर है, ये हार्डनेस का। मैंने कहा बोरान का ही इसी का एक फॉर्म इन सबसे ज्यादा हार्ड भी होता है, हार्डनेस। आगे डिस्कस करेंगे कार्बन फैमिली में, क्योंकि डायमंड तो कार्बन फैमिली का है, सिलिका भी कार्बन फैमिली का है, तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये भी जो मिलता है सिलिका, ये भी किस फॉर्म में होता है, पॉलीमरिक फॉर्म में, तो इन्हें हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी तो बस मैंने ऐसे ही आपको बता दिया है, डरो नहीं बस याद करने का एक तरीका है, आप आराम से इसे याद कर सकते हैं। लीजिए, ये थे कंपाउंड्स ऑफ बोरान। आइए अब बात करते हैं किसके बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में थोड़ी सी,
और हम यहाँ एल्यूमिनियम का सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, एक्सट्रैक्शन, कैसे इसे बनाया जाता है फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, याद करिए कोडबाजी में बॉक्साइट क्या था। बॉक्साइट Al2O3.2H2। देखिए मेटलर्जी हमने अभी पढ़ी नहीं है, यानी स्टेप्स इन्वॉल्विंग द एक्सट्रैक्शंस, इन्हें हम पढ़ेंगे आगे चल के। क्लास 12th में होते थे ये, पढ़े होंगे आपने 6th यूनिट में, क्लास 12th की पहली जो बुक होती थी, बुक नंबर 1 में, यूनिट नंबर 6 में होते थे एक्सट्रैक्शंस। तो इन्हें पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि कोर्स में नहीं। लेकिन जब आप 11th क्लास में सेकेंड बुक में इस ग्रुप को पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको एल्यूमिनियम की मेटलर्जी नहीं मिलेगी। यानी कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ूंगा 11th क्लास वाली, तो आपको एल्यूमिनियम के बारे में कुछ नहीं मिलेगा। जो थोड़ा बहुत यूज था वो मैंने पहले ही बता दिया। यानी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर आता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये आपको एनसीईआरटी 12th में मिलेगा बेटा, ठीक है ना। तो इसे आप एनसीईआरटी 12th से देखिएगा कहाँ पे क्या चीज मिलेगी, अभी मैं लिख दूंगा। तो मैं शुरू करता हूँ, सबसे पहले एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन किससे, बॉक्साइट से। तो कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आइए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपके पास होता है Al2O3.2H2O विद इंप्योरिटीज, ये है आपके पास, किसके साथ है, विद इंप्योरिटीज ऑफ आयरन ऑक्साइड, सिलिका एंड टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड या टाइटेनियम कंपाउंड्स, इसमें इंप्योरिटीज पाई जाती हैं टाइटेनियम कंपाउंड्स। तो हम क्या करते हैं, इन इंप्योरिटीज को दूर करने के लिए हम सबसे पहला काम इसकी करते हैं लीचिंग। क्या करते हैं, लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, लीचिंग एक केमिकल प्रोसेस होती है, लीचिंग इज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन या कंसेंट्रेशन कह सकते हैं, ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ओर। ये तरीका होता है, केमिकल मेथड। और इसमें हम करते क्या है लीचिंग में, सुनिएगा इसके साथ, हम लीचिंग में क्या करते हैं, यानी इसमें करते क्या है, इट इज हीटेड विद, हीटेड विद, आप इसे गर्म करते हैं, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन और NaOH सॉल्यूशन के साथ, या तो सोडियम कार्बोनेट के साथ या NaOH के साथ। जब सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं तो हाल्स प्रोसेस रिएक्शन कहलाती है, NaOH के साथ करते हैं तो बेयर्स प्रोसेस रिएक्शन कहलाती है। और जब इनके साथ गर्म करते हैं तो यहां पे आपको मिलता है एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस। अब आप क्या करते हैं, इस एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड को लेते हैं और इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं, और हीट करने पर यह हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रस प्योर एल्यूमिना, यानी Al2O3 में, इसका नाम है एल्यूमिना। और इसी के प्योरेस्ट फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई थी, कोरेंडम। तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, हमारे पास Al2O3.2H2 होता है, इसकी लीचिंग कराते हैं। लीचिंग क्या है बेटा, एक केमिकल प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ओर होती है, जिसमें हम इसे हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन या NaOH सॉल्यूशन के साथ। और जब हीट करते हैं तो आपको मिल जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसे गर्म करने पर यू विल गेट Al2O3, आपको मिल जाता है Al2O3। मैं काम करता हूं, समझ में तो आई गया कि, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं थोड़ा छोटे में, क्योंकि मुझे बोर्ड चाहिए, थोड़ा मतलब अनसिस्टमेटिक सा हो गया है, आगे मैं कहां लिखूंगा जगह नहीं दिख रही है, तो मैं इसे दोबारा से कर देता हूं, ठीक है। तो हमने यहां से स्टार्ट किया था कि हमारे पास बॉक्साइट था, यानी Al2O3.2H2O, ठीक, यहां से, और इसमें क्या थी, इंप्योरिटीज विद इंप्योरिटीज, और इंप्योरिटीज मैं आपको बता ही चुका हूं कौन सी थी, तो मैं दोबारा नहीं बता रहा। आगे बढ़ते हैं, आगे मैंने क्या किया था, इसकी लीचिंग,
क्या की थी? लीची। किसके साथ की थी? पहली विद Na2CO3 सॉल्यूशन, या किसके साथ की थी? और NaOH सॉल्यूशन के साथ। जब आपने इसकी लीचिंग कराई थी इनके साथ, तो आपको जो प्रोडक्ट मिला था वो मिला था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, फिर मैंने क्या किया था, इस AlOH के होल थ्राइस को स्ट्रॉन्गली हीट किया था, गरम किया था, और गरम करने पर आपको मिल गया था Al2O3, इसका नाम था एल्यूमिना। पहले इतना सोच लीजिए जितना बोर्ड पर लिखा है, क्या आपको इतनी प्रोसेस जो बोर्ड पर ही समझ में आई है? यदि आप देखना चाहें तो आप पेज नंबर लीचिंग के लिए पेज नंबर 154 देखिएगा। ठीक है, कौन सी एनसीईआरटी? 12th की एनसीईआरटी। कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। कौन सी यूनिट? 6th यूनिट, यूनिट 6, यानी छठी यूनिट में पेज नंबर 154 12th की पहली एनसीईआरटी में आपको ये प्रोसेस मिलेगी लीचिंग। क्लियर, क्या मिल गया है? Al2O3। अब हम इस Al2O3 का क्या कराते हैं? इस Al2O3 के साथ खेलना, देखिए इसका हम कराते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, और नाम होता है बाई हॉल HALL हेराल्ड्स HERALD हेराल्ड प्रोसेस। अब इसमें हम क्या करते हैं, जरा इसे जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। यानी इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है बाय हॉल्ट हेराल्ड प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो एल्यूमिना है इस एल्यूमिना में हम मिक्स करते हैं, इट इज मिक्स्ड विद क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जानते हैं? क्रायोलाइट, क्रायोलाइट होता है बेटा Na3AlF6 ये, एंड कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। इसमें काम क्या करते हैं ये जो मिलाए जाते हैं, कि काम कुछ ऐसे होते हैं कि यहां पे जो क्रायोलाइट आप मिला रहे हैं ये क्या करता है, इट डिक्रीज द, क्या करता है ये, डिक्रीज करता है, डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3 एंड इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। और जो सॉल्यूशन मिलता है उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, और इस कंडक्टिविटी को ज्यादा बढ़ाने के लिए ही हम इस कैल्शियम फ्लोराइड को भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सके। जबकि क्रायोलाइट का मेन फंक्शन होता है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, वो भी बढ़ाता है, मेन काम है मेल्टिंग पॉइंट को कम करना, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है तो ये मेल्ट नहीं होता, उसके बाद ये मेल्ट होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सेल होता है हॉल हेराल्ड प्रोसेस में, उसमें कार्बन इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है, और वो कार्बन इलेक्ट्रोड इसे रिड्यूस कर देते हैं, और रिड्यूस होने के बाद यहां पे ये आपको दे देता है इम्प्योर, क्या दे देता है, इम्प्योर एल्यूमिनियम कार्बन इलेक्ट्रोड पर। और ये कार्बन इलेक्ट्रोड रिएक्ट कैसे करते हैं, आइए ये भी दिखा देता हूं एक साइड में रिएक्शन लेके। ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं ना, वो ये करते हैं कि ये जो हमारे पास Al2O3 था, Al2O3, ठीक, इसमें जो कार्बन इलेक्ट्रोड है वो इसका रिडक्शन करा देता है, तो आपको ट्वाइस Al मिल जाता है प्लस CO मिल जाती है। ये हो रहा है आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, हालांकि आयंस की फॉर्म में होता है, पर मैंने तो रिएक्शन लिखी है, नेट आयन तोड़ के नहीं लिखे। इम्प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है, ये जो इम्प्योर एल्यूमिनियम मिलता है फिर आप इसका क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक प्योरिफिकेशन करा देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक प्योरिफिकेशन या रिफाइनिंग कुछ भी लिख सकते हैं, रिफाइनिंग करा देते हैं। प्रोसेस का नाम भी लिख देता हूं, रिफाइनिंग की प्रोसेस का नाम होता है हूप प्रोसेस, HOOP हूप्स प्रोसेस। और जैसे आप रिफाइनिंग कराते हैं यू विल गेट, आपको तुरंत यहां पर मिल जाता है कितना,
99.98% प्योर एल्यूमिनियम। लीजिए, ये होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, पूरा का पूरा मैंने आपको दिखा दिया। अब इससे ज्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है। तो ये है मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम बेसिकली, ठीक है। और दो छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ साइड में और लिख देता हूँ, हालांकि हमारे सिलेबस में तो नहीं है, क्वेश्चन पूछना भी नहीं चाहिए उसे, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं इसके साथ, तो आपकी प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड हाल्स प्रोसेस। क्या नाम है? हाल्स प्रोसेस। लेकिन जब आप इसे इस NaOH के साथ कराते हैं तो प्रोसेस को नाम दिया जाता है बेयर्स प्रोसेस। क्या नाम है बेटा? बेयर्स प्रोसेस। तो इसे बेयर प्रोसेस कहते हैं, और इसके साथ कराते हैं तो इसे हाल्स प्रोसेस कहते हैं। इसके साथ कराते हैं तो बेयर्स प्रोसेस कहते हैं। ये कुछ नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पर फिर भी हमें आने चाहिए, भगवान ना करे कभी पूछ ले तो हम कम से कम कर पाए। लीजिए, ये था एल्यूमिनियम के बारे में, इट द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, और यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका ग्रुप नंबर 13 या थर्ड ए, यानी बोरान फैमिली, और शुरू होता है नेक्स्ट ग्रुप जिसे आप कहते हैं कार्बन फैमिली। अच्छा, एक चीज भी और बता देता हूँ यहीं पर, छोटी सी कलर चूज कर लो पहले, कौन सा कलर है जो चूज कर सकता हूँ, अच्छा सा ग्रीन भी है, येलो भी है, रेड ही चूज कर सकते हैं भाई, हल्का रेड ले लेते हैं थोड़ा, ये वाला ये तो है, ये वाला लेते हैं थोड़ा येलोइश, चलो कोई बात नहीं ये ले लेते हैं। छोटी सी चीज बता दो यहाँ पे डिब्बे में अलग से, कहते जब आप इस रिएक्शन को कराते हैं तो इसको एक नाम दिया जाता है, क्योंकि आप इसे हीट करते हैं, और जब हीट करते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। क्या कहलाती है? पायरोमेटलर्जी, यानी ये प्रोसेस पायरोमेटलर्जी कहलाती है, जो यहाँ पे प्रोसेस लिखी है। और इस पायरोमेटलर्जी को भी यदि आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप जाएंगे पेज नंबर 163, कौन सा 163, कौन सी बुक? सेम बुक, 12th की फर्स्ट यूनिट 6 पर। तो पेज नंबर 163 जब आप एनसीईआरटी में खोलेंगे क्लास 12th का, तो आपको ये मिल जाएगा बेटा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पायरोमेटलर्जी। तो इन हेडिंग्स में जहां इन्हें ढूंढेंगे कि पायरोमेटलर्जी, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। बाकी हम तो इसे पढ़ेंगे कभी ना कभी, जब मेटलर्जी पढ़ेंगे, पर मैंने अलग से ये बातें इसलिए बता दी हैं कि एनसीईआरटी में ये सब मेंशन है, और एनसीईआरटी से छोटा मोटा क्वेश्चन कभी बन के आ जाए तो आप इसे कर पाए। बना डालिए। लीजिए, खत्म हुई बोरान फैमिली, यहीं तक रखते हैं ना, कार्बन फैमिली शुरू नहीं करेंगे आज, अगली क्लास से शुरू करेंगे हम लोग कार्बन फैमिली को, आज के बाद यहाँ पर आराम से नोट कर लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।